पाकिस्तान से इन दो तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया है। दोनों तस्वीरों ने पाकिस्तान में भयंकर आग लगा दी है। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, वो शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। छिनेगा शहबाज का ताज। राजधानी इस्लामाबाद में बवाल मचा हुआ है। इमरान खान समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन से जगह जगह आग लगी हुई है। पहली तस्वीर में इमरान खान का एक समर्थक है जो कंटेनर के ऊपर चढ़कर नमाज पढ़ रहा था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने धक्का दे दिया। और दूसरी तस्वीर में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी हैं, जिनकी वजह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को खूब धमकाया है। बुशरा ने सऊदी अरब के बारे में जो बताया है, उस पर यकीन करना मुश्किल है। शुरुआत इस तस्वीर से करते हैं। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल से रिहाई को लेकर उनके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा। लाखों लोग सड़कों पर हैं। इन लोगों को मारने के लिए पाकिस्तानी सेना भी अब सड़कों पर आ गई है। इसी विरोध प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स आपको नमाज पढ़ता दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जवान ने उसे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इस घटना का वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक जवान ने कैसे शख्स को नमाज पढ़ते हुए कंटेनर के ऊपर से धक्का दे दिया। ऐसा कुछ भारत में हो जाता तो दुनिया भर के मुस्लिम देश भारत का जीना मुश्किल कर देते, मगर आज मुस्लिम देशों का संगठन OIC भी खामोश बैठा है। कैद में इमरान खान, बुशरा बीबी का इंतकाम, डर में शहबाज सरकार, इमरान समर्थकों के आगे लाचार, पाकिस्तान में घमासान, शहबाज वर्सेस इमरान, अब हो गया ऐलान, फिर टूटेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सेना और इमरान समर्थक आमने सामने हैं। सड़कों पर हिंसक प्रोटेस्ट से कोहराम बरपा है। सेना की फायरिंग से भगदड़ मची हुई है। आगजनी से इस्लामाबाद धुआं धुआं हो चुका है। प्रदर्शनकारी और पुलिस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। खूनी हिंसा में 33 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हिंसक हो चुके प्रदर्शनकारियों ने 10 से ज्यादा पाक रेंजर्स को कुचल डाला। बुशरा बीबी की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने संग्राम छेड़ रखा है। शहबाज सरकार की नींद हराम है। प्रदर्शनकारियों के आगे लाचार दिख रही सेना ने बुशरा के कंटेनर में आग लगा दी, जिससे कंटेनर जलकर राख हो गया। इमरान सेना के आगे पंगू दिख रही मुनीर सेना अब अत्याचार पर आमादा है। खुद को इस्लाम का पैरोकार और मुसलमानों के नाम पर दम भरने वाली सेना की ऐसी करतूत सामने आई है जो शर्मिंदगी का बाइस बन रही है। दरअसल इस्लामाबाद के डी चौक की तरफ प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कंटेनर लगाए गए हैं। वहीं एक कंटेनर पर एक शख्स नमाज अदा कर रहा था, तभी सेना के जवान पहुंचते हैं और नमाज पढ़ रहे शख्स को जोरदार धक्का मारते हैं, जिसकी वजह से नमाज अदा कर रहा शख्स मुंह के बल गिर जाया करता है, जिससे पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। मुनीर की सेना अब गुंडागर्दी कर रही है। वही कैदी इमरान खान अब भी जेल से अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। इमरान ने जेल से अपने समर्थकों को संदेश भेजा है, जिसमें शहबाज को ललकार रहे हैं और अपने समर्थकों की पीठ थपथपा रहे हैं। आखिरी गेंद तक लड़े, पीछे ना हटे, पीटीआई कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूँ। पाकिस्तान की आवाम माफिया राज के खिलाफ लड़ रही है और तब तक लड़े जब तक मांगे पूरी नहीं होती, तब तक डटे रहे। वही पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने बुशरा बीबी को बुजदिल करार दिया। कहा कि बुशरा लाशों पर सियासत कर रही है, लाशों पर सियासत करके लीडर बनना चाहती है, खुद पीछे है और गरीब बच्चों को ढाल बना रही है। शहबाज सरकार कमजोर नहीं, प्रदर्शनकारी गलतफहमी में ना रहे। पाकिस्तान लाइव के मुअज्जिज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में सियासी हलचल के दौरान एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जब एक पीटीआई कारकुन को कंटेनर से धक्का दिया गया। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसने आवाम को झंझोड़ कर रख दिया।
हैरत की बात यह है कि जहां पाकिस्तानी मीडिया ने इस वाक्य पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की, वहीं भारतीय मीडिया ने इस पर खुलकर आवाज उठाई। भारतीय मीडिया ने न सिर्फ इस जुल्म की मजम्मत की बल्कि पाकिस्तान के मीडिया पर भी सवालात उठाए और भारतीय मीडिया ने दिखाया कि किस तरह एक नौजवान को ताकत के जोर पर दबाया जा रहा है। उन्होंने इस वाक्य को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया और पाकिस्तान की अदालती और सहाफती निजाम पर तनकीद की। ये पहला मौका था जब भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी अवाम के हक में आवाज बुलंद की और इंसाफ का मुतालबा किया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारतीय सहाफियों ने इस बात पर हैरत जाहिर की कि पाकिस्तानी मीडिया, जो अवामी मसाइल पर रोशनी डालने का दावा करता है, इस मामले में क्यों खामोश रहा। पाकिस्तानी अवाम ने भी सोशल मीडिया पर भारतीय मीडिया की इस जुर्रत को सराहा और अपने ही मीडिया से सवाल किया कि वो इस मामले पर खामोश क्यों रहा। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना जरूरी है, चाहे वो किसी भी सरहद के अंदर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहरहाल अब आते हैं इस तस्वीर पर। यह है इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी, जिन्होंने अलग ही बवाल मचा दिया है। बुशरा ने कहा कि मई 2021 में इमरान खान ने सऊदी अरब की धार्मिक यात्रा की थी। बुशरा ने कहा कि इमरान खान काफी मजहबी व्यक्ति हैं। ऐसे में जब वो सऊदी अरब के मदीना में पहुंचे तो विमान से नंगे पांव उतरे, लेकिन सऊदी अरब को ये पसंद नहीं आया। सऊदी अरब ने उस समय की पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को फोन किया और कहा कि हमारे देश में ये किसे भेज दिया है, हम यहाँ शरिया सिस्टम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान जो कट्टर शरिया समर्थक हैं, वो यहाँ नंगे पैर चलकर दिखावा कर रहे हैं। बुशरा के इस बयान के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब से माफी मांगी है और बुशरा के खिलाफ कई मामले दर्ज कर दिए हैं। तो उसे ये कहना पड़ता है कि बुशरा बीबी अभी तक छुपी हुई है पीछे कहीं, तो मैं बुशरा बीबी को दावत देना चाहता हूँ कि आगे जो इन्होंने बेचारे किराए के लोग हैं, एक दो प्रोटेस्टर से मेरी बात हुई यहाँ पे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि आप कहाँ से ताल्लुक रखते हो, कहते जी मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, ये प्लस्तर का काम करता हूँ, मैं सवाद से आया हूँ। एक बच्चा है अफगान, उसको पूछा, उसने कहा जी मुझे पैसे दे के लाए हैं। तो ये जो पैसे दे के किराए पे मजदूर और बच्चों को आप लाए हैं और फ्रंट लाइन पे खड़ा किया हुआ है, और वो कभी ये बेचारे बंटे मारते हैं, कभी आंसू गैस फेंकते हैं, उसके आपकी पुलिस है केपी की, तो बुशरा बीबी जो छुपी हुई है पीछे शहीद मिल्लत के पास, आए ना, हिम्मत करें, गरीब के बच्चे को क्यों आगे करते हो, आओ हिम्मत करो, लीड करो आगे आके। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन खत्म करने का तात्कालिक ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन शहबाज मुनीर के खिलाफ लगी आग अब भी धधक रही है, जिससे शहबाज की चूल्हे हिलने लगी है, सत्ता की कुर्सी डोलने लगी है, तो क्या एक बार फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है। लेकिन शहबाज सरकार ने भी अब इसका रास्ता निकाल लिया है। जिस तरीके से आंदोलन हो रहा था, सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ था, इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ आतंकवाद से जुड़ा मुकदमा शहबाज सरकार की तरफ से दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट देखें। का नया हथकंडा, इमरान बुशरा पर शिकंजा, बुशरा होंगी गिरफ्तार,